हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ इफ्तार के रेसिपीज। एक्चुअली हमने इफ्तार पार्टी रखा है, पार्टी मतलब इतना बड़ा सा नहीं, बस कुछ फ्रेंड्स आएंगे वही। सो मैं आज क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज चिकन दम बिरयानी, उसके साथ होगा रायता। ये सब कुछ मैं आज खुद बनाने वाली हूँ बिकॉज मुझे आज खुद बनाने का मन है। उसके बाद होने वाला है चना, जो ब्लैक चना है उसको थोड़ा फ्राई टाइप बनाएंगे, जो कि हमारे इफ्तार में रोज़ होता है। तो मैं इफ्तार के लिए खाने के लिए एक चीज़ बना रही हूँ जो कि है डोसा। उसके साथ मैं बनाऊँगी सांभर और पीनट कोकोनट की चटनी। एंड फिर मैं दो टाइप ऑफ चाट बनाने वाली हूँ, एक है ग्रीन ग्राम का चाट और एक है नाचोस चाट। एंड उसके साथ नाचोस चाट के साथ होगा जो पुदीना एंड धनिया की चटनी। एंड उसके बाद एक चटपटा सा आई मीन टू से ऑनियन पकौड़ा। मैंने चिकन दम बिरयानी पहले नहीं बनाई, पहले ऐसे मैं प्रेशर कुकर में बिरयानी बनाती थी तो वो हो जाता था, आई डोंट नो कैसे होगा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी 11 बज रहा है सुबह का, तो हमारा इफ्तार 6:30 को होता है। तो अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं चिकन जो है मैं वो मैरिनेट कर दूँगी। उसके बाद जो भी काटने का काम होगा, जो भी काटने में मैं बैठ के काट लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर खड़ा रहना बहुत तकलीफ होता है, वो कमर में बहुत पेन होता है। स्पेशली अभी जो मैं फास्टिंग भी कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं बैठ के सब कुछ काट लूँगी। आप लोग बने रहिए वीडियो में। सो गाइस चिकन वॉश हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी मसाला, सॉल्ट, सॉल्ट हम कम डालेंगे, बाद में चाहिए तो डाल देंगे। ये चिली पाउडर, हल्दी, ये है कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, जीरा, थोड़ा सा और चिल्ली पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। ये अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम पूरा कर्ड, इसमें 500 ग्राम है। कर्ड ज़्यादा डालने से मसाला ज़्यादा होता है, इसलिए कर्ड डालेंगे। और इसमें डालेंगे धनिया, पुदीना, इसको सब डाल के अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तरह से मैरिनेट हो चुका है, अभी हम इसको 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। और अभी मैं पूरा वेजिटेबल जो भी चाहिए सामान कट कर लूँगी, ऑनियन टमाटो सब कुछ, ताकि बाद में सिर्फ बनाऊँ। देखिए मैंने सब यहाँ पे ला के रखा है, सब अभी मैं इसको कट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कटिंग सब कुछ हो चुका है। ये सांभर के लिए ये धनिया सब में यूज़ होगा, ये बिरयानी के लिए पुदीना और ये करी, कुछ करी पत्ता, सांभर के लिए कुछ वेजेस, ये एक्स्ट्रा नारियल, पीनट कोकोनट चटनी के लिए कोकोनट, ये नाचोस के लिए, ये टमाटर बिरयानी के लिए, ये टमाटर सांभर, ये टमाटर चाट के लिए, ये रायता के लिए, ये बिरयानी के लिए प्याज, ये चिल्ली सब में यूज़ होगा, ये ओनियन पकौड़ा के लिए, ये बिरयानी के लिए चिल्ली, और ये चाट के लिए, चाट के लिए प्याज और रायता, रायता और चाट के लिए, और ये चाट अदरक
चटनी के लिए, एंड थोड़ा सा अदरक चाट में भी जाएगा, और ये चटनी के लिए ग्रीन पुदीना और टमाटर की चटनी के लिए। सो अभी जस्ट बनाना है, सब कटिंग वगैरह तो हो गया। यहाँ पे टमाटर को रोस्ट कर लिया है चटनी के लिए। यहाँ पे कॉर्न बॉयल हो रहा है, यहाँ पे चना बॉयल हो रहा है। सो प्रिपरेशन चालू है। अभी 12 बज रहा है, सॉरी 1 o'clock हो रहा है। तो सब सामान तो ला दिया था, पर अभी याद आया कि बिरयानी मसाला नहीं है, तो मैं नीचे एक दुकान है उसमें चेक करने जा रही हूँ कि बिरयानी मसाला है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये तो बाहर से लाना पड़ेगा। अभी मैंने जो बिरयानी के लिए ऑनियन से फ्राई करने के लिए रखती है, तो बिरयानी के लिए यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे चना गोल हो गया है। अभी हम दाल बिठा देंगे सांभर के लिए। ऑनियन यहाँ पे हाफ कुक हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं दाल बिठा रही हूँ, तूर दाल बॉईल करने के लिए। सो यहाँ पे मैंने टमाटर और चिल्ली भी डाल दिया है, यूजुअली टमाटर नहीं डालते पर मैंने डाल दिया है बिकॉज ये मेरा स्टाइल की बिरयानी है। यहाँ पे दाल पक रहा है सांभर के लिए, और यहाँ पे मैं चटनी के लिए नारियल पीनट्स और अदरक डाल दिए। अभी इसमें डालूंगी चना दाल जो थोड़ा देर मैंने भिगो के रखा था, उसको ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद तड़का देना है। इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था मैरिनेशन में, तो अभी डाल देंगे। थोड़ी देर बाद मैं हम चिकन डाल देंगे, और ये दाल बॉईल हो चुका है, हाफ कुक हुआ है। अब वेजिटेबल डाल देते फिर से कुक करेंगे, और ये चटनी के लिए ग्राइंड हो चुका है, इसको तड़का देना है। सो दाल में सब वेजेस डाल दिया, तो मैंने आज सिर्फ आलू और भिंडी वेजेस डाला है यहाँ पे, एंड टोमेटो एक्सेप्ट स्मॉल अनियन सब डाल दें, क्योंकि स्मॉल अनियन हम बाद में डालेंगे। अब इसको फिर से 4-5 बेसल करना है। सो मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है, उसको अब हम अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पे सांभर बन रहा है, सांभर का तड़का बाकी है, इसका तड़का चटनी कटर का, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अनियंस रखा है, इसको अच्छे से हम ग्रेट करेंगे ऊपर में देने के लिए दम के वक्त। सो यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए चावल का जो पानी है वो बिठा दिया, वो बॉईल होने के बाद हम चावल डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला का पाउडर, नमक एंड थोड़ा बिरयानी मसाला दे दिया ताकि इसका फ्लेवर आ सके, एंड उसके बाद हम इसको चावल डाल देंगे। फिर चावल को डाल देंगे, एंड दाल भी पक चुका है सॉरी सांभर के लिए, तो इसको तड़का देना है, तो हम बाद में तड़का देंगे। चिकन पक रहा है। सो ये देखिए यहाँ पे रायता मैंने बना दिया, फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे चिकन हो रहा है, यहाँ पर पानी का उबाल अभी तक नहीं आया, उबाल आने के बाद चावल डालूँगी। सो अभी सबके लिए वेट करें, क्योंकि गैस खाली नहीं है, और होने के बाद ही बहुत सारा चीज़ हो पाएगा। चिकन तो पक गया है, उसको सिर्फ दम देना है चावल पकने के बाद। थोड़ा सा लिक्विड ही रखा है क्योंकि बाद में ड्राई हो जाता है। सो अभी फर्स्ट ये गैस तो खाली हो गई, इसलिए इसमें जो अनियन है उसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे बिरयानी के लिए। उसके बाद एक से एक उसके बाद पीनट कर चटनी उसको तड़का देंगे, एंड उसके बाद सांभर को तड़का देना है।
एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं पानी अभी तक उबाल नहीं आया है, तो मैंने इसको बड़ी गैस में शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये गैस थोड़ा सा स्लो है, तो हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो ये चटनी का प्रिपरेशन हो रहा है, चटनी का तड़का मतलब हम नाश में बनाएंगे। इसमें है उड़द दाल, मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता और चिल्ली, इसमें डाल देंगे नमक के साथ। सो अभी मैं बना रही हूँ पुदीना टमाटर की चटनी, टमाटर अंदर है एंड अब इसको पीसेंगे। ये हम नाचोस के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, बस थोड़ा सा ही। सो ये एक केरला का वो है इमली, तो इसको सांभर में डालना है। उसके बाद तड़का के लिए मैंने कुकर भी बिठा दिया, सो इसको यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा पानी डाल के हम तड़का देंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए, तो हम अच्छी तरह से पकने देंगे। एंड यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने एक तड़का लगा दिया, यहाँ पे है करी पत्ता, मस्टर्ड सीड एंड स्मॉल अनियंस, और यहाँ पे हम मसाला डाल देंगे इंक्लूडिंग सांभर मसाला। उसके बाद ही दाल बॉइल किया वाला सब्जी एंड दाल डाल देंगे एंड सांभर इज रेडी। सो अभी पकौड़ा के लिए रेडी हो रहा है अनियन पकौड़ा। ऑनियंस, बेसन, सब मसाला, थोड़ा सा धनिया और चिल्ली डाला है। अब इसको पानी डाल के अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे और इफ्तार से एक डेढ़ घंटा पहले फ्राई करेंगे। तो सांभर हो चुका है, अभी बनाऊंगी चना एंड यहाँ पे ऑनियन का भी बैटर रेडी है, सब बैटर भी रेडी करना है। अभी इडली का जो बैटर है उसमें यहाँ पर डाल के थोड़ा पानी मिक्स करके उसको फ्रिज में रखने के बाद में बनाएंगे। और चना भी बन गया, सिंपल से बनाएंगे चना। मैं थोड़ा चना डाल के थोड़ा मसाला वाला डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, 80% डन। पानी तो पहले लग रहा था, थोड़ा ही ले लो। यहाँ पे चना बन रहा है,
सब कुछ बना के हो चुका है। यहाँ पे है सांबर, यहाँ पे थोड़ा सा सूजी का हलवा, तो बिरयानी, ये नाचोस के लिए, ये मूंग दाल चाट, ये डोसा और आधा बन चुका है, डोसा बन रहा है, ये है चना, और यहाँ पे है नारियल की चटनी, यहाँ पे है ग्रीन चटनी।